चलिए आज हम लोग एक और अच्छा बहुत अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे मॉन्ग्स मेथड से रिलेटेड। ये क्या कहता है कि सॉल्व आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी बाय मॉन्ग्स मेथड। ये आपके बुक का एग्जांपल नंबर 1 है जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे क्या करते हैं। हमने पिछले क्लास में मॉन्ग्स मेथड को डिस्क्राइब किया, प्रूव किया, फिर एक प्रॉब्लम भी किया था। तो आज हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आर का वैल्यू ये होता है और टी का वैल्यू ये होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है, हम आर का वैल्यू जहाँ जहाँ इक्वेशंस में आर है और जहाँ जहाँ टी का जो वैल्यू होता है वो पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशंस वी हैव, आर के जगह पे ये जो वैल्यूज है पुट कर दिए, ए स्क्वायर था ए स्क्वायर रहने दिए, टी का जो वैल्यू था वो चीज़ हम पुट कर दिए। अब देखिए क्या करते हैं, सिंपली डी वाई को इधर dx को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, डी वाई को इधर कर लीजिए। तो ये रिजल्ट आ जाएगा कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी वाई का और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी एक्स का। क्लियर है? अब देखिए जैसे डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो डी पी डी वाई माइनस एस डी डी वाई का पावर 2। अच्छा, ये ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स ए स्क्वायर सॉरी माइनस ऑफ ए स्क्वायर एस डी एक्स का पावर 2। क्लियर? अब सिंपली सबको एक तरफ करते हैं और आपको पता है कि एस वाला का जो कॉफिशियंट होता है उसको एक साथ लिखते हैं और बिना एस वाले को एक साथ लिखते हैं। तो बिना एस वाला ये टर्म्स है और एस वाला ये है। और आपको पता है कि जो एस का कॉफिशियंट होता है उसको इक्वेट करते हैं 0 से और जो अदर टर्म्स है उसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो क्या बनता है? मॉन्ग्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो वही चीज़, देयर फॉर मॉन्ग्स सब्सिडरी इक्वेशंस आर, इस टर्म्स को लिख रहे हैं, पहले इसको लिख दिए हैं कि डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशन नंबर 1 मान लिए, एंड डी वाई का पावर 2 माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसी को चाहे तो यहीं पे फैक्टर अलग अलग लिख सकते हैं। ये क्या फैक्टर बना रहा है आपको पता होना चाहिए, यह फैक्टर आपका बना रहा है, आप चाहें तो लिख देते हैं तो आपको जो सिस्टम बनाने में सही होता है। ये क्या बनाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी मीन्स की डी वाई प्लस ए डी एक्स इंटू डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0। इस चीज़ को तोड़ेंगे तो यही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब सिस्टम जो बनेगा कि नाउ वी हैव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट फैक्टर आ रहा है, तो डिस्टिंक्ट फैक्टर है तो ये चीज़ इस पूरे के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाता है और ये चीज़ दूसरा फैक्टर मिलकर एक सिस्टम बनाता है। तो नाउ वी हैव टू सिस्टम। देखिए पहला सिस्टम क्या है कि डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई माइनस ए डी एक्स टू 0 इसके साथ मिलकर बना रहा है एक सिस्टम, मीन्स ये टर्म्स इक्वल टू 0, ये टर्म्स इक्वल टू 0, ये रिलेशन नंबर 3, ये पहला सिस्टम है। अच्छा, और दूसरा सिस्टम क्या हो गया, डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, पिछला वीडियो देखना होगा क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कब हमारा कैसा सिस्टम बनता है, क्या क्या केस होता है डिस्टिंक्ट फैक्टर का, रिपीटेड फैक्टर का। क्लियर ना? तो चलिए अब दो सिस्टम हो गया, हमने वहाँ सीखा था कि दोनों सिस्टम को सॉल्व करके, जैसे पहला सिस्टम को सॉल्व करके एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल आता है, दूसरा को सॉल्व करके दूसरा इंटरमीडिएट इंटीग्रल आता है, फिर दोनों इंटरमीडिएट इंटीग्रल को सॉल्व करके पी और क्यू का वैल्यू आता है और फिर उस पी और क्यू के वैल्यू को डी जेड इक्वल टू पी जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करके हम लोग जनरल सोल्यूशन तक पहुँचते थे। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि क्या करना है? तो अभी सबसे पहला है, इस पहले सिस्टम को सॉल्व करना हमारा टारगेट होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि नाउ ऑन सॉल्विंग 3 है ना, क्योंकि 3 ही हमारा पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो चलिए नाउ ऑन सॉल्विंग 3 वी हैव, 3 को कैसे सॉल्व करेंगे भैया? देखिए डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि जब आप सिस्टम 3 के अदर पार्ट को सॉल्व करेंगे ना तो डी वाई का वैल्यू ये पुट करने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वन, ए वन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वन। क्लियर? ध्यान रखना है आप इसका। अच्छा, अब देखिए सिस्टम 3 का ही जो ये नीचे वाला पार्ट है इससे आप क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखे कि देयर फोर ये जो नीचे वाला पार्ट इक्वल टू 0 जो था वो क्या बिकम्स करेगा इसके बाद, चूँकि डी वाई को आप ए डी एक्स लिख सकते हैं, तो देखिए तो डी पी और डी वाई को क्या लिख सकते हैं, ए डी एक्स, तो डी पी डी पी ठीक है, डी एक्स ए डी एक्स होना चाहिए था, तो ए जो क्या के बाहर कर दिए, तो ए डी पी डी एक्स ये जो चीज़ है वो ए डी पी डी एक्स बन गया माइनस ए स्क्वायर डी पी डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है डी एक्स कॉमन आ रहा है, ए डी एक्स कॉमन आ रहा है, ए डी एक्स कॉमन आ रहा, तो ए डी एक्स को कॉमन करके 0 के साथ इधर भेज देंगे, यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ ए डी एक्स को कॉमन करके इस 0 के साथ भेज देंगे तो बचेगा क्या, इधर इधर बचेगा सिर्फ डी पी और यहाँ पर बचेगा ए डी क्यू बचेगा, तो डी पी माइनस ए डी क्यू बचा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पी माइनस ए डी क्यू का इंटीग्रेशन की क्यू, तो पी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू ए वन, ये हमारा रिजल्ट हो गया।
समझ में आया? तो एक यहाँ से a1, ये a1 कांस्टेंट है, और यहाँ से a1 एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कि आपने वहाँ पढ़ा था जब मेथड हम लोग सीख रहे थे, तब वहाँ पे हमने सीखा था कि ये क्या होता था, u इक्वल टू a और v इक्वल टू a, फिर दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं कि p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू a1, a1 की जगह पे फंक्शन ऑफ y माइनस ax, तो p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस ax, इसको रिलेशन नंबर 5 मान लेते हैं, और ये चीज़ क्या कहलाता था, बी द फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल, यहाँ हम थोड़ा कम लिखे हैं, आप लिख दीजिए बी द फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल। अब इसी तरीके से हम अनदर सिस्टम जो है हमारे पास सिस्टम नंबर 4, उसको सॉल्व करके एक दूसरा इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि नाउ ऑन सॉल्विंग 6 एज नाउ ऑन सॉल्विंग 4 वी हैव, सॉल्व कर लेते हैं उसको, कैसे क्या करेंगे सॉल्व, कि dy प्लस adx इक्वल टू 0 था, तो इसको dy इक्वल टू माइनस adx लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y प्लस ax इक्वल टू b1, ध्यान रखना है y प्लस ax इक्वल टू b1, सिंपली इंटीग्रेट कर रहे हैं जहाँ पे b1 कांस्टेंट है। तो देयरफॉर अब देखिए ये चीज़ हमारे पास था, सिस्टम 4 का जो अगला उसके साथ वाला जो पार्ट था वो ऐसा था, अब आप dy को माइनस adx लिख सकते हैं। तो देखिए पहले ये जो था उसको लिख दिए बिकम्स, ये कैसा बनेगा अब, dp dy की जगह पे माइनस ए डी एक्स, तो माइनस ए आगे dx लिख दिए, और सिंपली ऐसा था, तो अब जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, माइनस ए डी एक्स कॉमन आएगा, तो माइनस ए डी एक्स कॉमन आएगा, तो सिर्फ प्लस यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ पे, तो प्लस dp यहाँ बचा, और यहाँ पे बचा प्लस dq या adq, क्योंकि एक ही ए कॉमन है, तो adq, और ये जो adx कॉमन किए थे उसको जीरो के साथ भेज दिए, तो वो जीरो बन गया, तो ये बचा हमारे पास। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, p प्लस aq इक्वल टू b1, क्या आया रिजल्ट, p प्लस aq इक्वल टू b1। अब देखिए इसको और इसको 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 मिलाकर क्या लिख सकते हैं कि p प्लस aq इक्वल टू f2 ऑफ y प्लस ax, y प्लस ax, f2 ऑफ y प्लस ax बी द सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। तो अब फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल क्या है कि वो आप अभी अगर साथ साथ कॉपी में बनाते चल रहे होंगे, तो वो था p माइनस aq इक्वल टू f1 y माइनस ax, और सेकेंड क्या है p प्लस aq। तो आप देखिए p माइनस ए क्यू है उसके LHS में, फर्स्ट वाले के LHS में, और दूसरा के LHS में p प्लस ए क्यू है, तो दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल जो आया, इन दोनों इंटरमीडिएट इंटीग्रल को सिंपली आपस में सॉल्व करना होता था p और q के वैल्यू को लाने के लिए, और जैसे ही p और q का वैल्यू आ जाएगा तो dz इज इक्वल टू pdx प्लस qdy के फॉर्मेट में पुट करके आंसर्स ले आएंगे जनरल सॉल्यूशंस। तो चलिए अब क्या करना है हमें, सिस्टम जो आपका रिजल्ट आया है फर्स्ट और सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल, जिसको हमने रिलेशन नंबर 5 और रिलेशन नंबर 6 माना है, उसको आपस में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा फास्ट है क्लास, लेकिन आपको मेंटेन तब होगा, आपसे मैनेज तब होगा जब आप पिछला क्लास देखे हुए हैं, क्लियर। तो नाउ ऑन सॉल्विंग 5 एंड 6, 5 क्या है फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल, 6 क्या है सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल। तो ये भैया सॉल्व कैसे होगा, हमें पी का वैल्यू चाहिए ना, तो आप सिंपली जब दोनों इक्वेशंस को सिंपल में अब ऐड करेंगे ना, तो क्यू और क्यू कट जाएगा, p प्लस पी 2p हो जाएगा, और सिंपली ये दोनों RHS का टर्म्स ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया 2p इक्वल टू ये चीज़ दोनों का ऐड। अब भैया 2p इक्वल टू a आया, तो p का वैल्यू क्या होगा, सिंपली 1 जो इधर 2 है वो 1/2 बन जाएगा, तो ये हमारा p का वैल्यू आ गया। अब सिंपली जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल, इन दोनों को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो pp कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा q बच जाएगा, और q प्लस q हो जाएगा 2q हो जाएगा। तो देखिए सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, ध्यान ये रखना है कि 5 को 6 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब क्या बनेगा 2aq बनेगा, ध्यान से कीजिएगा आप सब्सट्रैक्ट, तो 2aq बनेगा इज इक्वल टू f ऑफ 2y प्लस ax माइनस f1 y माइनस ax, ये रिजल्ट हमारा बना। अब देखिए हमें तो q का वैल्यू चाहिए ना, तो q इक्वल टू 2a जो होगा वो 1/2 में आ जाएगा, तो q इक्वल टू 1/2a f2 y प्लस ax माइनस f1 y माइनस ax, रिजल्ट यहाँ क्लियर। चलिए अब p और q का वैल्यू आप लेकर आ चुके हैं, अब क्या करना है, p q का वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन dz इज इक्वल टू pdx प्लस qdy वी हैव, तो dz इज इक्वल टू p यहाँ से यहाँ तक pdx फिर qdy, समझ में आ रहा है pdx qdy, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, क्या यहाँ पे नीचे में 2a है, नहीं है यहाँ पे 2a है, नहीं है, सिर्फ 2 है। अगर आप यहाँ पे a लगाना चाहते हैं और यहाँ पे भी a लगाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, दोनों के ऊपर में भी ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम क्यों ना यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें adx, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है,
वन बाई टू यहाँ पे भी हो गया, बाहर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वन वाई माइनस एक्स ए डी एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे वन बाई टू ए है, ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे ए डी एक्स तो ए डी एक्स हो जाएगा इधर, क्लियर। अच्छा अब इधर पे आ जाइए, यहाँ पे तो पहले से दिया हुआ है ना वन बाई टू ए है, तो वन बाई टू ए दिस टर्म्स और डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई आ जाएगा। अब सिंपली ये चीज़ वन बाई टू ए डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई आ जाएगा, ये चीज टर्म्स में डी वाई। अब जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए, वन बाई टू ए चारों टर्म्स में है, तो वन बाई टू ए क्या कर लेंगे हम चारों टर्म्स से कॉमन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम क्या करते हैं कि एफ टू वाला टर्म्स कहाँ कहाँ है, एफ टू वाला टर्म्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो वन बाई टू ए दोनों में है, वन बाई टू ए वन बाई टू ए, तो वन बाई टू ए बाहर रहने दिए, एफ टू ए भी दोनों में है, एफ टू ए भी कॉमन कर लिए, तो वन बाई टू ए और एफ टू वाई प्लस ए एक्स, एफ टू वाई प्लस ए एक्स ये दोनों टर्म्स कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या भैया, बचेगा यहाँ से डी वाई, इधर डी वाई बच रहा है और इधर क्या बच रहा है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा यार, ओहो सॉरी, फिर से समझिए कहाँ तक हम लोग थे, हमने बोला यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्या किए हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई किए ए डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई किए और इधर डी वाई मल्टीप्लाई किए हैं। अब क्या कॉमन करना है कि वन बाई टू ए और एफ टू ऑफ वाई प्लस ए एक्स ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो जैसे ही दोनों से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी वाई बचेगा और यहाँ पे ए डी एक्स बचेगा, तो डी वाई प्लस ए डी एक्स बच गया बाहर, ये चीज़ कॉमन किए तो इन दोनों टर्म्स में से ये बचा। अब सिंपली उसी तरीके से हम लोग माइनस ऑफ वन बाई टू ए एफ वन वाई माइनस एक्स कॉमन करेंगे, वो माइनस ऑफ वन बाई टू ए एफ वन वाई माइनस एक्स जैसे ही कॉमन करेंगे तो देखिए ये टर्म्स क्या होगा, जैसे माइनस कॉमन करें तो ये क्या बना, पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए हैं तो डी वाई बन गया इधर। अच्छा माइनस कॉमन किए हैं ध्यान रखना है, तो यहाँ तो भैया माइनस है नहीं ना, तो माइनस लगाना होगा, तो ये चीज़ कॉमन आ गया तो माइनस ए डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई माइनस ए डी एक्स, डी वाई माइनस ए डी एक्स, क्लियर। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे d भी है यहाँ भी d है, तो d कॉमन करेंगे तो y प्लस ए एक्स, यहाँ d कॉमन करेंगे तो y माइनस ए एक्स, ठीक। चलिए तो अब देखिए हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, तो डी जेड इक्वल टू वन बाई टू ए एफ टू वाई प्लस ए एक्स, और d कॉमन कर लिए तो y प्लस ए एक्स, सिंपली यहाँ पे माइनस वन बाई टू ए एफ वन वाई माइनस ए एक्स, और y माइनस d कॉमन किए तो y माइनस ए एक्स। अब जरा समझिए कि ये चीज़ का इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, समझ में आ रहा ना कि इस टर्म्स का इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जैसे कि हमने वहाँ पे सीखा था, क्या सीखा था भैया कि f ऑफ x का यदि x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन, फंक्शन ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कोई नया फंक्शन ऑफ x आएगा, तो वही चीज़ इस वेरिएबल में इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट जेड इज इक्वल टू वन बाई टू, ए कॉन्स्टेंट है तो वन बाई टू एक बाहर रह गया, अब ये एफ टू था तो फाइव टू, चलिए मान लेते हैं कि फाइव टू ऑफ वाई प्लस एक्स ही आएगा, इसी वेरिएबल में फंक्शंस आएंगे इंटीग्रेशन के बाद भी, और सेम यहाँ पे भी वही चीज़ कि इंटीग्रेशन के बाद भी इसी वेरिएबल्स में आएंगे। अब चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको कोई इस टोटल टर्म्स को वन बाई टू ए को इंक्लूड करने के बाद एक नया टर्म्स मान सकते हैं कि एफ टू ऑफ वाई प्लस एक्स, इसको इंक्लूड करके, और इसको मान सकते हैं एफ वन ऑफ वाई माइनस ए एक्स, क्लियर। तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, विच इज़ द कम्प्लीट जनरल सॉल्यूशंस या विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडीई। तो आशा है आप लोगों को ये क्लास, ये छोटा सा जो प्रॉब्लम्स था वो समझ में आया होगा, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, देखिए यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स है तो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, थैंक यू।